तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउंट एवरेस्ट पर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड की। माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत पर पिछले 65 सालों में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर एयर प्रेशर नॉर्मल एयर प्रेशर से 3 गुना कम होने के बावजूद कई लोग वहां सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए बिना पहुंच चुके हैं। बर्फ़ जमा देने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं, एल्टीट्यूड सिकनेस, खुम्बू आइसफॉल, एवलेंस जैसे कई खतरे होने के बावजूद हर साल मई महीने में दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। कई लोग रिकॉर्ड्स बना पाते हैं तो कई लोग अपनी जान भी गुमा बैठते हैं। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले 10 पर्वतारोहियों में से एक पर्वतारोही अपनी जान गुमा बैठता है। आज भी माउंट एवरेस्ट पर 300 से भी ज़्यादा लाशें ऐसे ही पड़ी है। खैर चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और शुरू करते हैं माउंट एवरेस्ट के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे ज़्यादा बार पहुँचने का रिकॉर्ड 21 बार है, जो नेपाल के अपा शेरपा, फुरबा तासी शेरपा और कामी रीटा शेरपा के नाम पर है। यह तीनों प्रोफेशन से शेरपा है और शेरपा लोगों का तो काम ही यही होता है कि माउंटेनर्स के साथ उनका सामान अपनी पीठ पर लेकर चलना। अपा शेरपा को सुपर शेरपा के नाम से भी जाना जाता है। वो आखिरी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 2011 में द इको एवरेस्ट एक्सपीडिशन से गए थे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि अपा शेरपा ने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो 21 के बाद क्लाइंबिंग करना छोड़ देंगे। 21वीं बार भी इसीलिए कि वो 21 को लकी नंबर मानते हैं। 1990 में वो पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे थे। 1996 और 2001 को छोड़कर वो हर साल माउंट एवरेस्ट पर गए हैं। 21 बार माउंट एवरेस्ट पर जाने का रिकॉर्ड अपा शेरपा के साथ ही फुरबा तासी शेरपा के नाम पर भी है। फुरबा तासी शेरपा हिमालय की पहाड़ियों के ऊंचे पर्वत को सर करने के लिए जाने जाते हैं। सी लेवल से 8000 मीटर की ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई वाले पर्वतों पर कुल 30 बार जाने का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें से 21 बार तो माउंट एवरेस्ट, 5 बार चोयू पर्वत, 2 बार मलास्लू पर्वत और एक एक बार शीशा पंगमा पर्वत और लोत्से पर्वत शामिल है। 2009 में डिस्कवरी चैनल की सीरीज एवरेस्ट बियॉन्ड द लिमिट में उनको विशेष रूप से दिखाया गया था। 2014 में माउंट एवरेस्ट आइस एवलेंस डॉक्यूमेंट्री में फुरबा तासी शेरपा मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद उन्होंने क्लाइंबिंग में से रिटायरमेंट ले ली। सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली महिला नेपाल की लकपा शेरपा है। लकपा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट 8 बार क्लाइंब किया है। 2000 में वो नेपाल की सर्वप्रथम महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंचने के बाद वापस लौटी हो। पसंग लुमा शेरपा नेपाल की सर्वप्रथम महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की समिट पर पहुंची हो, पर जब वो वापस लौट रही थी तभी खराब मौसम की वजह से उसे अपनी जान देनी पड़ी। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 10 बार बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए पहुंचने का रिकॉर्ड नेपाल की अंग रीटा के नाम पर है। इसी वजह से उन्हें स्नो लेपर्ड कहा जाता है। 1996 में अंग रीटा ने 10वीं बार बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गए थे। यूनाइटेड स्टेट के देव हेन ने माउंट एवरेस्ट पर 15 बार जाके मोस्ट समिट्स बाय फॉरेनर का टाइटल अपने नाम किया है। देवन एक प्रोफेशनल माउंटेन गाइड, स्की पेट्रोलर, जर्नलिस्ट और लेक्चरर है। वो एंटार्क्टिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट विंसन पर 35 बार और देनाली पर्वत पर 21 बार जाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। मोस्ट समिट्स बाय फॉरेनर वुमन का रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट की मेलिसा आर्नोट के पास है।
2016 में छठी बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही वो यूनाइटेड स्टेट की सर्वप्रथम महिला बनी जो माउंट एवरेस्ट से नीचे सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना आई हो। फ्रांसिस आर्सेंट्यू भी अमेरिकन वूमन थी जो 1998 में सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तो पहुंच गई थी पर वापस लौटते वक्त उनकी मौत हो गई थी। सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाले इंसान तेंजिंग नॉर्गे और एडमन हिलेरी थे। अगर आप तेंजिंग नॉर्गे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने तेंजिंग नॉर्गे के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप यहां स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। जुमको ताबई विश्व की सर्वप्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सफलतापूर्वक क्लाइम किया हो। जुमको ताबई माउंट एवरेस्ट के साथ साथ सेवन समिट क्लाइम करने वाली भी सर्वप्रथम महिला थी। अगर आप जुमको ताबई की इस जर्नी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने जुमको ताबई के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आप यहां स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इंडियन एंड नेपालीज माउंटेनियर नवांग गोम्बू पूरे विश्व में सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट दो बार क्लाइम किया हो। उनका यह रिकॉर्ड 20 साल तक कायम रहा। वो मूल नेपाली शेरपा थे और तेंजिंग नोर्गे उनके चाचा थे। 1964 में भारत सरकार ने नवांग गोम्बू को पद्मश्री और 1965 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। इंडिया की संतोष यादव विश्व की सर्वप्रथम महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट दो बार क्लाइम किया हो। 8 घंटे और 10 मिनट में नेपाल साइड के बेस कैंप से माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच के पेम्बा दुर्जे ने सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 21 मई 2004 को उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया और साथ ही 12 घंटे और 45 मिनट में पहुंचने का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस रिकॉर्ड के 3 दिन बाद ही लकपा गेलू शेरपा ने यह दावा किया कि वो सिर्फ 10 घंटे और 56 मिनट में समिट पर पहुंच गए थे। लेकिन 2018 में ही नेपाल सुप्रीम कोर्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उनके यह दावों को खारिज कर दिया है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना तिब्बत साइड के नॉर्थ बेस कैंप से समिट तक सिर्फ 16 घंटे और 45 मिनट में पहुंचकर इटली के हंस कैमेनलैंडर ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इंडिया के अमन कुमार सिन्हा ने 20 घंटे और 24 मिनट में नेपाल साइड के बेस कैंप से समिट तक बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के पहुंचकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और वो आज भी कायम है। नेपाल के बाबू चिरी शिरपा ने माउंट एवरेस्ट की समिट पर 21 घंटे बिताकर सबसे ज्यादा समय समिट पर बिताने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वो भी बिना ऑक्सिलरी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए। वो माउंट एवरेस्ट पर 10 बार जा चुके हैं। 29 अप्रैल 2001 को 6500 मीटर की ऊंचाई पर एक फोटो खिंचवाते वक्त एक गहरी खाई में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। आज तक माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे ज्यादा मौत 25 अप्रैल 2015 में हुई थी। उस दिन नेपाल में आए भूकंप की वजह से कुल 22 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें गूगल के एग्जीक्यूटिव डैन फ्रेंडबर्ग और दूसरे 3 एम्प्लॉयज भी शामिल थे। वो लोग यहाँ गूगल अर्थ जैसे एक नए प्रोजेक्ट के काम से आए थे। नेपाल में आए भूकंप की वजह से 2015 में एक भी व्यक्ति माउंट एवरेस्ट क्लाइम नहीं कर पाया, जो 41 सालों में पहली बार हुआ था। 23 मई 2013 को जापान की यूचिरो मियुरा ने 80 साल 224 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच के सबसे बड़ी उम्र में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड नेपाल के मीन बहादुर शेरचंद के नाम पर था, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 76 साल 340 दिन की उम्र में क्लाइम किया था। 6 मई 2017 को जब मीन बहादुर शेरचंद अपना रिकॉर्ड दोबारा हासिल करने के लिए गए तो बेस कैंप में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट का टाइटल यूनाइटेड स्टेट के जॉर्डन रोमिरो के नाम पर है,
जिन्होंने सिर्फ 13 साल 10 महीने और 10 दिन की उम्र में माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली क्लाइम किया था। दिसंबर 2011 में 15 साल 5 महीने और 12 दिन की उम्र में रोमिरो ने माउंट विंसन को सक्सेसफुली क्लाइम करके यंगेस्ट पर्सन टू क्लाइम 7 समिट का टाइटल भी अपने नाम कर दिया। उसके बाद रोमिरो ने अपनी इसी अनुभव से बच्चों के लिए नो समिट आउट ऑफ साइट नाम की एक नॉवेल भी लिखी। 13 साल 11 महीने की उम्र में इंडिया की मालावाथ पूर्णा ने माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली क्लाइम करके यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सबसे पहली बार सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले इंसान इटली के रेनहोल्ड मेसनर और ऑस्ट्रेलिया के पीटर हेबर थे। इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि माउंट एवरेस्ट पर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के बिना पहुंचा जा सकता है। रेनहोल्ड मेसनर पूरे विश्व में सर्वप्रथम इंसान थे जिन्होंने सी लेवल से 8000 मीटर से ऊंचे सभी पर्वत सक्सेसफुली क्लाइम किए हो। एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड दोनों को स्नो मोबाइल और डॉग स्लेड के बिना पार करने वाले वो पहले इंसान थे। गोबी डिजर्ट को उन्होंने अकेले पार किया था। रेनहोल्ड मेसनर ने अपने अनुभव की 80 से भी ज़्यादा बुक्स पब्लिश की है। माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने के लिए पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान फ्रांस के जीन मार्क बायोविन थे। वेनेजुएला के एंजल फॉल में बेस जंपिंग के दौरान चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। माउंट एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने के लिए स्नोबोर्ड का इस्तेमाल करने वाले पहले इंसान फ्रांस के मैक्रो सिफ्रेदी थे। मैक्रो सिफ्रेदी क्लाइंबिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता एक माउंटेन गाइड थे। उनके भाई की मौत चामोनिक्स पर्वत पर एवलेंस की वजह से हुई थी। 2001 में मैक्रो सिफ्रेदी ने पहली बार स्नोबोर्ड से माउंट एवरेस्ट से नीचे उतरे थे। 2002 में जब दूसरी बार स्नोबोर्ड से माउंट एवरेस्ट से नीचे उतर रहे थे तब वो अचानक ही गायब हो गए और आज तक वापस नहीं लौटे। माउंट एवरेस्ट को 3 अलग अलग रूट से सक्सेसफुली क्लाइम करने वाले पहले इंसान इंडिया के कुसंग शेरपा थे। 30 मई 2005 को पेम दुर्जी और मोनी मूलेपति विश्व के सर्वप्रथम कपल बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की समिट पर शादी की हो। मोनी मूलेपति नेपाल की सर्वप्रथम नॉन शेरपा महिला थी जो माउंट एवरेस्ट गई हो। विश्व के सबसे पहले ट्विंस जो माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचे हो तो वो इंडिया की ताशी मलिक और नुंगशी मलिक है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार अपने देश का नेशनल एंथम प्ले करने वाले इंडिया के रत्नेश पांडे है। माउंट एवरेस्ट पर इंडियंस के जो रिकॉर्ड है उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम सारे इंडियंस रिकॉर्ड को कवर करेंगे। और इसी के साथ ही आज की वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।